डेबल मोर पीपल टू कॉमिट क्राइम सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने, हमने बहुत सारे क्राइम्स को कम कर दिया है बहुत सारे लीकेजेस को भी कम कर दिया है बट एट द सेम टाइम न्यूअर टाइप ऑफ क्राइम्स भी अब आ रहे हैं न्यूअर टाइप्स ऑफ क्राइम भी अब इमर्ज हो गए बिकॉज ऑफ दिस क्रॉलीफेन ऑफ इमेजिन so अभी आपनेस क्लियर किया और इंटरव्यू में पहला सवाल ही जैसे अभी एम्स का अभी न्यूज बना हुआ है सर्वर डाउन पहला सवाल ही आपसे पूछ लिया डज टेक्नोलॉजी प्रिवेंट मोर क्राइम और डज इट इनेबल मोर पीपल टू कॉमिट क्राइम अब इसमें आप क्या जवाब दोगे राइट योर आंसर इनसे फाइव सेवन फाइव सेवन डू इट इट विल हेल्प यू अ लॉट शेयर योर व्यू सो दिस इज द द फर्स्ट दिस इज टॉपिक फॉर ये डेली डेली ब्रीफ ब्रीफ है ब्रीफ में हम ये सारे इनिशिएटिव्स 40 45 मिनट्स ऑफ टाइम पे कवर करेंगे प्रोग्रेस क्या होता है प्रोग्रेस सबकी प्रोग्रेस डिफरेंट होती है पेस भी अलग होता है टाइम भी अलग होता है तो ट्रस्ट योर जर्नी ये भी प्रोग्रेस है

दिस इज प्र 2023 कोर्स आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ रुपीज डबल वन डबल वन कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं सो वॉट सी इसमें सारी चीजें कवर होगी और अभी हम राउंड वन में ही है राउंड वन में ही है राउंड वन में हम इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस सी सेट कवर कर रहे हैं राउंड टू का स्टार्ट होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा फेबर में वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम सो आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोज एंड नोट्स ओके सो जैसे अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में हम आ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट हाई ट्राइब्यूनल सब ऑर्डिनेट कोर्ट इन दिस चैप्टर नंबर थर्टी सेवन स्पेशल प्रोविजन इसके साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट होगा फिर हम लोकल गवर्नमेंट पे आएंगे पंचायती म्यूनसिपैलिटी यूनियन टेरिटरी इस चैप्टर नंबर के साथ ही हमारा कोर कोर पॉलिटी कंप्लीट होगा अब इसके जो बाद के चैप्टर्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन यूपीएससी पी ये ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि वन आवर से हम इन टॉपिक्स को देंगे बट बाकी जो टू आवर की क्लास का टाइम होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया एक so डिसिप्लिन आता है सिस्टमैटिक होती है स्टडी और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होने वाला है ओके सो दिसम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स सिमिलरली ये टेलीग्राम के क्विज है फाइव क्विज इज एवरी डे हम सोल्व कर रहे हैं इसको भी पार्टिसिपेट करिए अमजद अली खान साहब इज अट्रो विद इंस्ट्रूमेंट द आंसर इज सरो पंडित भीमसेन जोशी जी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक द आंसर इज हिंदुस्तानी वेयर इज म्यूजिक कॉलेज इज लोकेटेड द आंसर इज लखनऊ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब डिस्टिंग्विश्ड थे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई टू विच स्टेट दॉन्ग भाविया भाविया जो है दिस इज नॉट भावई दिस इज भाविया ये है वेस्ट बेंगोल का वेस्ट बंगाल का आज के सवाल है शारदाइन इन कोलोनियल इंडिया द फर्स्ट न्यूज पेपर विच वॉज पब्लिश इन इंडिया वॉज तो आज चार सवाल है ये रिपीट हो गया है सो टूडे दीज आर फोर क्वेश्चन फॉर टूडे वन टू थ्री एंड फोर अब ये वोकैबुलरी है वोकैबुलरी में पहला वर्ड है लैम्पून इसका मतलब है पब्लिकली क्रिटिसाइज करना रेडिक्यूल करना आयरनी और सरकैम देन फिनेगल का मतलब होता है छल से प्राप्त करना अचीव समथिंग बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी और डीवियस मैथड्स वाइब्रेंसी है दैट इज वेरी फुर्तीला एक्टिव वाइब्रेंट एक्जुबरेंस है वेरिलिटी का मतलब होता है हिम्मत है द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ एनर्जी स्ट्रॉन्ग विगर का मतलब है वो वहां का निवासी है इनहेबिटेंट और ऑक्यूपेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस सो आज के वर्ड हैं डेनाइजन विरिलिटी वाइब्रेंस फिनेगल एंड lampoon. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड along विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ये सी सेट है सी सेट भी आप डेली बेसिस पे ये दो सवाल सॉल्व करिए बड़ा आसान सा सवाल था एवरेज का पहली 50 इनिंग का एवरेज इतना है मतलब फर्स्ट 50 इनिंग में कितने रन मारे हैं तो दैट इज 50 इंटू फोर्टी तो दिज मेनी दिस इज दंबर टू थ्री टू जीरो रन स्कोर किए आफ्टर इनिंग 60th इनिंग के बाद एवरेज बढ़ गया है टू से मतलब 46.4 सिक्स पॉइंट फोर प्लस टू पॉइंट सिक्स न्यू एवरेज इज दिस और नंबर ऑफ इनिंग्स आर 60 सो टोटल रन अब कितने हो गए 60 इंटू दिस न्यू एवरेज 49 नाइन दैट इज टू रन अब फिफ्टी इनिंग के बाद इतना है इनिंग के बाद इतना है, तो बीच की दस इनिंग में कितने रन हुए? इन दोनों का डिफरेंस? स्कोर so, जो दस इनिंग में बनाया है और इन दस इनिंग में नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी टेन तो एवरेज लास्ट टेन इनिंग्स का स्कोर कितना हुआ जितना रन स्कोर किया और नंबर ऑफ इनिंग्स टेकन सो दिस इज सिक्सटी टू सिमिलरली ऐसे सवाल आते हैं इसको भी हमें यह याद रखना है कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस क्या होता है और जो भी परसेंटेज होता है चाहे वो हाइक हुआ है लॉस हुआ है थिंग वो हम सीपी पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे अब पहला 25% प्रतिशत का हाइस हाइक किया राइस पर के में तो फिर वो पर्सन छः किलो कम राइस खरीद पा रहा है फॉर बारह तो पैसे तो बराबर है बट महंगाई हो गई तो अब सामान कम हो गया

दिस इज फाइनल दिस जो सेलिंग प्राइस हो गया है उसका फाइनल कॉस्ट राइज हो गया है अब दोनों के बीच में छ किलो का डिफरेंस आ रहा है पैसे बराबर है तो पहले बारह सो रुपए में एक्स किलो पर के जी से इतना सामान आ रहा था अब बारह सो रुपए में प्राइस बढ़ गई एक सौ पच्चीस एक्स बाय सौ हो गया इतना सामान आ रहा है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है सिक्स सोल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन यू विल गेट द आंसर इज एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फोर्टी पर के जी ओके

तो कितने टाइप के साइबर क्राइम्स पॉसिबल हैं इसके लिए आप विजिट करो दिस वेबसाइट है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है यहाँ बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं कोई भी अनलॉफुल एक्ट है अगर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू कॉमिट और फैसिलिटेड द कमिशन ऑफ क्राइम तो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इट इज अनस क्राइम साइबर बुलिंग अक्सर सोशल मीडिया में आप देखते हैं साइबर बुलिंग चलता है दिस इज अगेन अ क्राइम साइबर स्टॉकिंग इनको आप ऐसे एक्सपैंड करना इनका अच्छे से मीनिंग भी दिया हुआ है साइबर स्टॉकिंग अक्सर स्टॉकिंग करते हैं स्टोकिंग इज ऑल्सो रॉन्ग साइबर ग्रूमिंग ऑनलाइन जॉब फ्रॉड ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन हनी ट्रैप्स होते हैं विशिंग सेक्सटिंग सिम का भी स्कैम होता है डेबिट क्रेडिट का फ्रॉड होता होता है है इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट होता है फिशिंग स्पैमिंग रैंजमेयर वायरस बॉम्बस एंड ट्रोजन डेटा ब्रीच डिनाइल ऑफ सर्विसेज जैसे अभी एम्स का सर्वर डाउन हो गया डिनायल ऑफ सर्विसेज वेबसाइट डिफेसमेंट साइबर स्क्वाटिंग फार्मिंग जैकिंग ऑनलाइन ड्रग ट्राफिकिंग एंड एस पी अब देखो इसको वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दिस आर वेरी इजी आप बस इस वेबसाइट पे जाना और इसको अच्छे से वन बाय वन एक सारे आप पढ़ना और उसका एक नोट तैयार कर लेना दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड वेरी वेरी इजी जब आंसर डिस्कशन होगा तो मैं इसको डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा सो दिस इज हाउ वी स्टडी कि नाउ यू हैव गॉट द डायरेक्शन नाउ यू हैव गॉट की वॉट टू रीड वॉट टू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन आपको ऑफिशियल डेटा भी मिल गया है अब जो लैक करेगा वो होगा यू हैव गॉट एवरीथिंग बट अब उसको एग्जीक्यूट भी करो लिख के बताओ एंड यू विल सी की जानना और लिखने में बहुत फर्क होता है आप इसको लिख के बताओ यू विल अंडरस्टैंड की मैं इतना क्यों एम्फेसिस करता हूँ लिखने में राइट इट डाउन राइट इट डाउन ओके अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में सो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी आप स्वतंत्रता सेनानी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थे तो आपने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया गांधी जी के साथ आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अहम भूमिका निभाई तो आपका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित जी और आपका नाम है सुचित्रा कृपलानी जी आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी यूपी की उत्तर प्रदेश की आप भी एक फॉर पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर रहे सुचित्रा कृपलानी जी वॉज नोन फॉर हर रिमार्केबल फीट इन बिकमिंग इंडिया चीफ मिनिस्टर इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर शी लेटर फाउंडेड ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एंड वॉज वन ऑफ द फिफ्टीन वुमेन इलेक्टेड टू असेंबली तो आप हैं फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सिमिलरली फर्स्ट वेमेन गवर्नर कौन है कैन यू आंसर फर्स्ट वेमेन गवर्नर कौन है फर्स्ट वेमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है आंसर फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ये भी आंसर ओके देन दिस इज क्यू क्यू से क्विट है टू एनवायरमेंट सी स्मोकिंग इज बैड स्मोकिंग एंड स्पिटिंग पान इन बिल्डिंग एंड ओपन स्पेसिस दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग क्विट लैक्सिटी इन फॉलोइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर यू नो दिसक्सिटी क्विट यूजिंग प्रोडक्ट विद हाई कार्बन फुटप्रिंट्स तो इन चीजों को दूर करें एंथ्रोपोजनिक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करें देन ये है इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल तो सेंड स्कल्प्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड असम्बल हुए हैं चंद्र भगा बीच में और वो अपनी इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी दिखाएंगे सेंड आर्ट का ओडिशा के एक सेंड आर्टिस्ट हैं बहुत फेमस है वो बहुत ब्यूटीफुल ऐसे सेंड आर्ट्स बनाते हैं मैसेजेस भी बहुत अच्छे देते हैं वाया दिस सेंड आर्ट क्या आप उनका नाम बता सकते हो ही बिलोंग्स फ्रॉम दिस ओडिशा देन ये हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का होता है सांस्कृतिक महोत्सव है और ये जो हॉर्नबिल है अति पवित्र माने जाने वाले धनेश पक्षी के नाम पर मनाया जाता है हॉर्नबिल पारंपरिक खेल होते हैं युद्ध कला नृत्य गीत संगीत अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिलती है तो ये मेला मोमेंट्स हैं दिस इज हॉर्नवेल हॉर्नवेल जी ट्वेंटी की मेंबरशिप जो है लीडरशिप अब वो इंडिया को मिल गया है प्रेसिडेंसी विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया इनोवेटिव थिंकिंग एंड इंक्लूसिव एक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट अब ये जो मैंने आपको बताया ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट कैटेगरीज इनके बारे में जानिए विजिट दिस वेबसाइट और और वन वन बाय इसको एक बार अच्छे से पढ़ना और अपने शब्दों में उसको लिख लेना कुछ रिसेंट एग्जाम्पल भी बता सकते हो दिस इज दैट सिंपल ओके सो डू इट यू विल गेट लॉर्ड ऑफ बेनिफिट सी नाउ लेट इज कम टू द हिंदू न्यूज पेपर तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर जो फर्स्ट न्यूज है दिस इज दिल्ली एडिशन गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट है दिस इज फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इसराइल डायरेक्टर ले ऑफ चल रहा है यूएस में स्पेशली जो ये कंपनीज हैं टेक कंपनीज इसमें बहुत ले ऑफ चल रहा है रशिया एंड चाइना का जॉइंट पेट्रोल हो रहा है ओवर पैसिफिक दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ लाइक कंसर्न कि रशिया और चाइना बड़ा प्रॉक्सिमिटी इनका बढ़ रहा है देन यहां पर बात है जी ग्रोथ डिप्स टू सिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी स्लाइड हुआ है एक होता है मैन्युफैक्चरिंग दूसरा होता है सर्विस सर्विस रिलेटिवली इंडिया का स्ट्रॉग होल्ड रहा है मैन्युफैक्चरिंग में हम स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की डिफिकल्टी आ रही है फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन एटसेट्रा तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग वी आर ट्राइंग की हम इंडिया में शिफ्ट कर लें प्लस हमारा जो इम्पोर्ट होता है तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हम करना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं जीडीपी ग्रोथ आई 6.3 परसेंट तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब ने बताया कि पैंडमिक इज द मेजर कल्प रिकवरी हो रही है यहाँ पे और प्लस वर्ल्ड लेवल पे भी इतनी सारी हेडविंट हैं जैसे रशियन क्राइसिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्लो डाउन यूरोप में अमेरिका में अभी टेक टेक्नोलॉजी चैलेंजेस कोविड नाइनटीन भी है चाइना का दिस एट टाइम्स जो एक्शन है सो so, इन सब के भी कारण इकोनॉमी थोड़ा हिट होती नजर आ रही है ग्रोथ डेसिलरेट हुआ है ग्रोथ हुआ है तो ये डेटा है जीवीए का जो डेटा होता है ना ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए का जो डेटा होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए ज्यादा मायने रखता है बजाय जीडीपी तो जीवीए का डेटा भी बताया कि इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है डोमेस्टिक डिमांड भी कम है तो दैट इज वाई नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने बताया जीडीपी नंबर थोड़े डैम्प्ड नजर आ रहे हैं ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब और आपने बताया डेटा कंफर्म करता है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है बट आर आर हेडविंटर तो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव ट्रेड बिकॉज कोविड नाइनटीन में लॉकडाउन लगा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू तो ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स ये सर्ज हुआ है से सो वॉट इज दिस दिस इज जी डी पी डेटाट थ्री परसेंट है बट अगेन हर चीज ना कंपेरेटिव होती है अगर हम यूएस और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया अभी भी एक ब्राइट स्पॉट है ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमिक ग्रोथ का देन दिस इज इंडिया यूएस एक्सरसाइज नियर एल एस सी चाइना चाइना को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज इंडिया और यूएसए यहाँ पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं युद्ध अभ्यास तपोवन इन उत्तराखंड में तो चाइना ने कंसर्न्स रेज किया एक्चुअली चाइना इज फीलिंग अलार्म नाउ बिकॉज यूएस से हॉस्टिलिटी बढ़ रही है और प्लस इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स करके बैठा है सो चाइना इज फीलिंग ये युद्ध अभ्यास है उत्तराखंड में हुआ तपोवन में और ये 100 किलोमीटर दूर है एल से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है कलम ने एक लिस्ट भी देखा था डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो इंडियन फोर्सेस कंडक्ट करती है वेरियस अदर आर्म फोर्सेस के साथ तो दिस इज युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास है यूएसए के साथ तो ये युद्ध अभ्यास हुआ चाइना इंडिया बॉर्डर के पास और 1993, 1996 स्पिरिट ऑफ अग्रीमेंट है यहाँ पे चाइना ने बोला कि वो वॉलेट करता है वैसा कुछ भी नहीं है तो एक्सरसाइज exercise जो होती है ये एक मैसेज भी सेंड करती है एट द सेम टाइम फौज की प्रिपेरनेस जो है लेवल को राइज करती है गुड ये ज्यांग जैमिन है ट्रांसफॉर्मेशन पासिस चाइना में भी अभी टर्मोइल चल रहा है सी चाइना जब 1949 में मॉडर्न डे चाइना बना जो एक कॉम्युनिस्ट चाइना है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो दिस इज कॉम्युनिस्ट चाइना इस कॉम्युनिस्ट चाइना में भी फेजेस आए जैसे शुरू का फेज था वो था कि स्टैंड अप करो पहले पहले स्टैंड करो बिकॉज वंस अपोन अ टाइम चाइना टू बी अ ग्रेट सिविलाइजेशन विच इज नॉट अ डाउट देन बहुत ग्रेट कंट्री भी था काफी प्रॉस्पैरिटी थी देन इसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं

साउथ चाइना सी में भी यही प्रॉब्लम है इंडिया चाइना बॉर्डर में भी यही प्रॉब्लम है कि जो चाइना के क्लेम्स होते हैं वो लाइक एट टाइम्स अनरियलिस्टिक होते हैं और वो बैकडाउन बेस्ड ऑन फैक्ट्स भी नहीं होते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स भी नहीं होते उनका परसेप्शन एट टाइम्स रॉन्ग होता है तो इनिशियली आफ्टर नाइनटीन से चाइना की पॉलिसी हुई स्टैंड अप फिर डेंग जी ऑपिंग आए जाओ एन लाई के टाइम पे स्टैंड अप फिर डेंग जी ऑपिंग आए तो चाइना ने बोला अब हमें इकोनॉमिक पावर बनना है और उसमें इनका जो फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट थे जियांग ज़ेमिन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था तो कि पैसे भी आ गए अब हमको मिलिट्री माइट बनना है मिलिट्री माइट बनना है तो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन इज अबाउट मिलिट्री माइट तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था नाउ ही पासिस अवे फॉर्मा चाइनीज प्रेसिडेंट ओके इस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ चाइना का दो टॉल लीडर्स है डेंग जियोपिंग और शी जिनपिंग इन दोनों में भी अभी जैसे शी जिनपिंग का जैसा प्रोजेक्शन चल रहा है शी जिनपिंग अभी थर्ड टर्म के लिए आ गए हैं और शी जिनपिंग अगेन जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना एज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर टॉलेस्ट लीडर इक्विवेलेंट टू और इवन मोर देन दिस डेंग डेंगिंग एटसेट्रा सो दैट इज वाई ये यहाँ पे अभी चर्न चल रहा है चाइना में लेट अस सी सो ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर एट थ्री एट जीरो जो बर्ड्स है इनको अगर फ्लू टाइप या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा ऐसा स्प्रेड होता है वायरस का तो हम सारे स्टॉक को ऐसे सारे स्टॉक को किल कर देते हैं उसको बोलते हैं कलिंग तो बर्ड्स को यहाँ पे ऐसे किल किया गया है बिकॉज यहाँ पे डिसीज आउटब्रेक का फ्लू का सिम्टम्स देखने को मिले ये है स्ट्रिंगिंग स्ट्रिंगिंग टुगेदर वर्कर्स एंगेज्ड इन मेकिंग रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्षर बीड्स अहेड ऑफ दिस कोटी रुद्राक्ष अभिषेकम तो यहाँ पे बीड्स बनाई जा रही है बीड्स बनाई जा रही है ये जो रुद्राक्ष है ये कहाँ से मिलता है कैन यू आंसर रुद्राक्ष की ये जो बीड्स हैं ये बीड्स कहाँ से मिलती है किसी ट्री से मिलती है या फिर मैन्युफैक्चर होती है वट इज दिस ये जो रुद्राक्ष की बीड्स है ये कहाँ से ऑप्टेन होती है देन केरला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टीम सेलेक्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड सी द पर्पज इज कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है कॉन्फ्लिक ह्यूमन का एनिमल का कॉन्फ्लिक कम करना है बिकॉज इट डजेंट मैटर ह्यूमन जीते या एनिमल जीते लॉस हमारा ही होगा सो द पॉइंट इज इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करना है हम ऐसे कॉरिडोर बना रहे हैं कॉरिडोर बना रहे हैं जैसे एक फॉरेस्ट वन से दूसरे फॉरेस्ट वन टू में ट्रांसफर होना है तो वो वाया कॉरिडोर ट्रांसफर हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बीच के विलेजेस एटसेट्रा में रोड्स बना रहे हैं तो वहां पे भी कॉरिडोर्स बना रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो हम जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सफिशिएंट प्रे बेस हो तो वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ नहीं आना पड़े ये कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन ही जो कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है दिस इज द ओनली सोल्यूशन वेन इट कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ओके ये है अनसीमली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ एक रेगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ पॉलिटिसाइज भी है हमारे कॉन्सेप्ट में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में था वो ये था कि जो एन है वो अल्ट्रा वायर हो गया सेपरेशन ऑफ दिस पावर नहीं है एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंट में अब बात आती है कि क्या तरीका हो बिकॉज एग्जिस्टिंग जो आफ्टर से थर्ड एंड फोर्थ जज केस कोलेजियम सिस्टम जो प्रेजेंट फॉर्मेट में है इसमें चार्जेस लगते हैं कि देर इज नो ट्रांसपेरेंसी जो जुडिशरी है वो ओवरटली बर्डनड है बट कल जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब उनका स्टेटमेंट आता है कि नंबर्स जस्ट लाइक दैट डबल करके हम कोर्ट के पेंडेंसी को कम नहीं कर पाएंगे सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड कि एक तरफ तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है जुडिशियल पेंडेंसी भी हो रही है केसेस पेंडेंसी भी हो रही है अपॉइंटमेंट देन दिस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इसमें अक्सर सवाल उठते हैं तो वट शुड बी द वे फॉरवर्ड प्लस एग्जीक्यूटिव आर इम्पोर्टेंट सो इज जुडिशरी अगर ये ऐसे डिस्ट्रस्ट बनेगा तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो वी शुड ट्राई टू फाइंड अ सोलूशन ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन यह जो बात है सीज एंड डेसिस्ट का इसमें प्राइमरली बात है कि जैसे इलेक्शन का टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या फिर से ये से मुंसिपैलिटी का हो रहा है तो द आइडिया इज अक्सर आजकल क्या होने लग गया है वर्क को आउटसोर्स कर दिया जाता है तो से आपको एक जो जो वोटर्स है उनका डेटा कलेक्ट करना था वो आपने किसी एन को दे दिया अब वो एनजीओ डेटा कलेक्ट कर रहा है बट क्या उस डेटा के बारे में अपने प्राइवेसी स्टोरेज के लॉस बनाए तो वो एनजीओ जो है एन है या फिर से प्राइवेट कंपनी है उसके पास वोटर्स का इतना सारा डेटा आ रहा है इससे वोटर्स को आप मैनुपुलेट भी कर सकते हो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग प्लस ये प्राइवेसी के अगेंस्ट भी आएगा पुट्टा स्वामी केस तो क्या ऐसे सेंसिटिव मैटर जैसे हम सेंसस ऑफ इंडिया आउटसोर्स कर दें या फिर इलेक्शन इलेक्टोरल रिलेटेड डेटा आउटसोर्स कर दें प्राइवेट बॉडीज एटसेट्रा एनी चेक चेक कार्ड तो ये एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है क्वेश्चन उठाता है पॉलिटिकल दिस इलेक्शन सिस्टम में तो जिस तरीके से एनजीओ को यहाँ पे डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया जिसमें आधार नंबर है वोटर प्रेफरेंसेस हो गया सो मच ऑफ दिस सेंसिटिव डेटा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एज वेल तो क्या ये ब्रीच नहीं हो रहा है प्राइवेसी का क्या वो एन और जो प्राइवेट बॉडीज है वो प्रॉपरली उस डेटा को देन आफ्टर द यूज डिलीट भी करेंगे या नहीं करेंगे ऐसे बहुत सारे सवाल है सो लेट सी सीज एंड एंड डेसिस्ट ये पार्टी दिस दिस इज इज चाइना चाइना पजल पॉलिटिकल के साथ भी जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है चाइना के साथ आज मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि द वे चाइना ने जो अपना राइज किया है द वे चाइना ने जो अपना राइज किया है इससे बहुत सारे डिसकर्ट क्रिएट हुआ है डिसकम्फर्ट क्रिएट हुआ है दिस वेस्टर्न वर्ल्ड में भी प्लस इंडिया के साथ भी चैलेंजेस हो रहा है सो द होल आइडिया इज कि जो ये कॉम्युनिज्म है कॉम्युनिज्म है जो चाइना में है दिस इज ऑल्सो लाइक चाइना ऐसा बोलता है दिस इज चाइनीज फॉर्म ऑफ कॉम्यूनिज्म चाइनीज फॉर्म ऑफ सोशलिज्म सो कहने को तो रशिया में भी रशिया में भी सोशलिज्म है चाइना में भी वन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है बट ट्रेडिशनली दोनों में डिफरेंसेस रहे हमेशा ट्रेडिशनली दोनों में डिफरेंसेस रहे बट पास सम टाइम पे बिकॉज यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया मतलब दे हैव द कॉमन एनिमी विच इज यूएसए सो रशिया एंड चाइना आर कमिंग टूगेदर कमिंग टूगेदर अब इसमें रशिया ट्रेडिशनली इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर भी रहे और अच्छा फ्रेंड भी रहे अब रशिया इंडिया का फ्रेंड रहा है बट रशिया की प्रॉक्सिमिटी चाइना से बढ़ रही है तो अगेन इंडिया के लिए भी ये कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करता नजर आ रहा है चाइना में वन पॉलिटिकल सिस्टम चलता है वन पॉलिटिकल पार्टी पार्टी है China, है ऑफ चाइना और सब पे रूल्स करती सारे वहाँ पे डिसीजन मेकिंग चाइना है चाइना में दूसरी डिफिकल्टी भी ये होती है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपरेंसी सी अभी बहुत सारे यहाँ पे पैरल में डेवलपमेंट हो रहा है गलवान क्राइसिस भी है आफ्टर गलवान क्राइसिस अभी पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर शी जिनपिंग का फेस टू फेस मीट हुआ नेक्स्ट जी ट्वेंटी मीटिंग भी होना है तो क्या जी ट्वेंटी मीटिंग में चाइना वैसे जी ट्वेंटी के सारे लीडर्स भी आएंगे बट देखना होगा चाइनीज जो प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग का है इनका रोल कितना होगा कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जी ट्वेंटी मीटिंग में सो द आइडिया इज की बिकॉज चाइना इज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस और जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स में वो पॉलिसी अपना रहा है बइंग टाइम डिले कर रहा है चीजों को तो इससे डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे अभी इंडिया एंड यूएसए भी होती जा रही है इंडिया यूएसए की यूएसए ने अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि चाइना इज अ कॉम्पिटिटर रशिया इज एन एनिमी एंड इंडिया इज अ फ्रेंड इंडिया इज अ फ्रेंड ये अभी स्टेटमेंट ऑफिशियल यूएसए पॉलिसी से आया था सो so, इंडिया को भी अपने कार्ड्स बड़े अच्छे से प्ले करने पड़ेंगे यहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं एशियान नेशंस हैं उनसे प्रॉक्सिमिटी बढ़ाए वहां पे हम एक्सपोर्ट करें जैसे हमने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया था सो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे हमारे रिलेशंस को तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रो न्यूट्री माल न्यूट्रिशन अगेन इसमें रेगुलर टॉक है जो हम काफी दिन से देख रहे हैं जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है अगर स्टूडेंट इज नॉट हेल्दी तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करेगा सो so, हेल्दी रहना इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट इनग्रेडियंट फॉर प्रिपरेशन एंड सक्सेस वी नीड टू कीप स्टूडेंट्स चिल्ड्रन हेल्दी जो डेटा है ऑल दो इसको डिस्कार्ड कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एन एफ एच एस फाइव का डेटा है बट जैसे एफ ए सिक्योरिटी का डेटा हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ इसमें यह बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन में जो माल न्यूट्रिशन है ये वाइडली स्प्रेड है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में कंसर्न्स हमने बताया बट इसमें भी ये बताया कि इंडिया में बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है व्हेन इट कम्स टू बैटल विद दिस माल न्यूट्रिशन फूड क्वालिटी सफिशियंट फूड हो न्यूट्रिशियस फूड हो दिस इज इंपॉर्टेंट और इसके लिए हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल राइस वीट फोर्टिफाई कर रहे हैं आयरन फॉलिक एसिड इन वाइटामिन बी से आयोडीन की कमी होती है तो हम आयोडीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो नेशनल दिस मिड डे मील स्कीम है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट बट राज्य स्तर से भी यहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है कि जो फूड है फूड है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट दिस प्रॉब्लम होता है अक्सर हमने देखा है गर्ल चाइल्ड में तो यहाँ पे उनको आयरन फॉलिक टैबलेट देने की बात है फोर्टिफाइड राइस हो फोर्टिफाइड राइस हो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आईसीडीएस पीएम एम पोषन मिड डे मील पोषण हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये सारे एक सेफ्टी नेट है इनको बेटर रिकवर बेटर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है तो यह गढ़चिरौली का एग्जाम्पल दिया है जहां पर राइस प्रोग्राम और एनीमिया को दूर करने का एक सक्सेस स्टोरी है सिमिलरली गुजरात में नून मील स्कीम है डब्ल्यू एच ओ भी बोलता है कि प्रॉपर फूड इनटेक इज रिक्वायर्ड फूड क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी सो द आइडिया इज कि दिस इज हाउ वी शुड वर्क और जो फोर्टिफिकेशन है उसमें भी उनको विद इन द रेंज ही रखें ट्राइबल जो पॉपुलेशन है जैसे सफर कर रही है सिकल सेल एनीमिया या फिर थेमिया का भी है एक्सेस आयरन एक्सेस आयरन बाय जैसे उड़ीसा का देखा था आयरन का बहुत बड़ा ओर है आयरन की माइनिंग से वो अक्सर फिल्ट्रेट हो जाता है वाटर बॉडी में और फिर वो वहाँ की ट्राइबल भी उसको इनटेक कंज्यूम कर रही है तो वहाँ सच टाइप ऑफ को दिख रही है एनीमिया एंड so कि जब भी माइक्रो न्यूट्रीशन या फिर जब भी बात आती है बाल न्यूट्रिशन को फाइट करने का तो इसमें वन साइज फिट सॉल सोल्यूशन नहीं हो सकता इंडिया में बहुत डायवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव टू है सर्टन प्रोग्राम और वो प्रोग्राम छत्तीसगढ़ से बहुत अलग हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का डायटरी पैटर्न इज डिफरेंट तो वहां हमें अकॉर्डिंगली टेलर मेड जो माल न्यूट्रिशन की जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको टेलर मेड करने की जरूरत है टेलर मेड कि जैसे सेंट्रल इंडिया में फॉलो वन अप्रोच नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में साउथ में फॉलो वन अप्रोच दिस इज रिक्वायर्ड और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ वी आर प्रोड्यूसिंग हेल्दी पॉपुलेशन तो ये हेल्दी पॉपुलेशन एक बर्डन नहीं होता है ये एक बून होता है अदरवाइज हेल्थ केयर में बहुत खर्चा हो जाता है सो वी आर इट इज नॉट अ कॉस्ट इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव रखते हुए इस पर फुल टोटल माल न्यूट्रिशन को डिफीट करना जरूरी है टू माल न्यूट्रिशन अ वर्डोस्ट दिस ट्राइम वायरेट दिस इज सी सी नवीन चावला साहब का है कुछ ही दिन पहले हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एक नोट बनाया था इलेक्शन कमीशन पे सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है इसके अपॉइंटमेंट का किसको सीई बना सकते हैं एक सेट गाइडलाइन होना चाहिए जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एक सर्टेन स्टैंडर्ड है सर्टेन गाइडलाइंस है बट व्हेन इट कम्स टू सीसी ऑफ इंडिया देर इज नो सच रूल्स की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बाद ही आप सीई बन सकते हो प्लस इनको कहने को सिक्स ईयर ऑफ टेन मिलता है बट एज लिमिट भी है सो so, इस तरीके से अगर अपॉइंटमेंट होता है तो इनको सीई सी को टॉप पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है हार्डली वन और टू ईयर मिल रहा है और फिर वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है तो देर शुड बी लाइक सीई सी अपॉइंटमेंट का सलेक्शन कमिटी किस तरीके से अपॉइंटमेंट है इन सब चीजों पर एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम बॉडी ट्रांसपेरेंट दिस वर्क फ्लो बना सकते हैं ले ऑफ का सीजन है आई टी फॉर्म्स यूएस में ग्रेटली इंपैक्ट एच वन बी वीजा एक्चुअली क्या हुआ लॉकडाउन लगा तो आई टी और टेक्नोलॉजी डिजिटल का बूम आया बट ये बूम सस्टेनेबल नहीं था अभी फिर से जब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है तो ये यहाँ से छटनी हो रही है यहाँ से अब छटनी हो रही है जो एक्सेस दिस ब्लोट हो गया था उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है प्लस दूसरा जो है कि टेक्नोलॉजी के साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है दे आर नॉट इनोवेटिंग दे आर नॉट इनोवेटिंग हमेशा इनोवेशन जरूरी होती है ये साइज ऑफ पाई को इनोवेट करके बढ़ाए तो जैसे फेसबुक ने भी मेटा पे एंड ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी पे काफी बेट किया बट वो उतना लिफ्ट नहीं हुआ

प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है एंड यूजर में अबाउट दिस साइबर हाउ द साइबर वर्ल्ड वर्कस तो अक्सर जैसे अभी एम्स में सर्वर हैक कर लिया अब रैंडम वेयर मांग रहे हैं फिरौती मांग रहे हैं दिस मच ऑफ मनी पे देन ओनली वी विल रिलीज इट सो ये एक नॉट अ स्टैंड अलोन फर्स्ट टाइम इवेंट ऐसे और भी केसेस आए हैं सो so, इसके लिए स्पेशली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे ऑयल इंडिया का डेटा लीक हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट बॉडीज है हमारी उसमें डेटा लीक हो गया वी नीड अ फुल प्रूफ मैनर की सच टाइप ऑफ वॉरफेयर को हम कैसे डील करें इसके लिए नाम याद रखना है सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है ये डेटा कलेक्ट करती है सारे टाइप्स ऑफ अटैक गाइडलाइंस प्रिवेंटिव मेजर्स एडवाइजरी अलर्ट्स सब चीज ये सर्ट को सर्ट के पास मैंडेट रहता है तो द आइडिया इज कि अपार्ट फ्रॉम दिस दीज गाइडलाइंस हम साइबर एजुकेशन को एज अ करिकुलम स्कूल्स में और इन जनरल लोगों को सेंसिटाइज करें ट्रेनिंग दें तो इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है जो डिफरेंट एजेंसीज को देखता है अक्सर फौज वगैरह में हम हनी ट्रैपिंग का भी देखते हैं अक्सर जो एनिमी कंट्रीज है वहाँ से हनी ट्रैपिंग हो रहा है इंडिया का इंडियन इंडियन फौज को कई बार टारगेट किया जाता है सो दिस इज द प्रॉब्लम सेकेंड जो जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम सेफ करें जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे अभी एम्स हॉस्पिटल ही हो गया या फिर सेंसेक्स दिस दिस से भी हो गया या फिर से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कुछ वर्क है या फिर रोडवेज हो गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है बैंकिंग सेक्टर हो गया स्टॉक मार्केट हो गया हमें साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर बनाने पड़ेंगे मलेशियस सॉफ्टवेयर्स को कई बार क्या होता है फ्री के नाम पे फ्री के नाम पे वो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है तो दैट इज़ वायर ये जो फ्री कल्चर है ना इससे भी अलर्ट रहने की जरूरत है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर एटसेट्रा यहाँ पे देखिए सो द होल आइडिया इज की रैंजम और साइबर अटैक से फाइट करने का दो ही रास्ता है एक तो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी इंस्टीट्यूशंस रूल्स लॉज वर्ल्ड में कोलैबोरेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन करें सेकंड लोगों को एजुकेट करें लोगों में अवेयरनेस को फैलाएं पटना बिहार बहुत इंपॉर्टेंट जैसे अभी हमने महाजनपद में पढ़ा था बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद रहा है ये जो पूरा एरिया है नोन फॉर इट्स कल्चर एजुकेशन एंड हाई दिस क्वालिटी यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है पॉलिटिको या फिर इकोनॉमिक पूरे एंटायर इंडिया में फेडिंग सिटी वंस बाय एज ओल्ड रूलर्स एंड ट्रेवलर था, फायान, था इन्होंने बताया है कि मगध का जो एरिया था यह काफी नाउन होता है बट ये हमेशा यूज होता है विद प्लूरल वर्ब फॉर एग्जाम्पल दीपल ऑफ दिसेज आर यूज कर रहे इज नई आर वेरी डिसिप्लिन ट्राइबल पीपल इन दिस एरिया है कंट्री सो द आइडिया इज पीपल इज अ कलेक्टिव नाउन बट इज ऑलवेज यूज विद्लुरल वर्ब और अगर हमने पीपल्स बोला जैसे पीपल्स है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशन और रेस द पीपल्स ऑफ द थर्ड वर्ड मस्ट यूनाइट इन देयर ओन इंटरेस्ट द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ओके शू स्ट्रिंग बजट है मतलब ज्यादा पैसा नहीं है बजट बहुत कम है हमारा हमें मित्त व्ययता से कम करना पड़ेगा जस्ट बहुत ज्यादा पैसा नहीं हम खर्च कर सकते अ शू स्ट्रिंग बजट इज अ स्मॉल बजट टू लिव ऑन अ शू स्ट्रिंग इज टू मैनेज ऑन वेरी लिटिल मनी ही स्टार्टेड इज इंस्टीट्यूशन ऑन अ शूज स्ट्रिंग ओके देन ऐसे एक वर्ड होता है बूट स्ट्रेप कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बूट का मतलब क्या होता है टेल then next next word is to call it a day to call it a day का मतलब stop whatever one is doing at least for the present मतलब आज का काम हो गया अब हम कल बढ़ाई करेंगे so that is to call it a day then ये है mustache और ये है like pass glass की तरह ये प्रदर्शन होता है e word जो होता है यहाँ पर silent होता है okay so this is English is funny

तो ये सारे मोन्यूमेंट्स दिल्ली में हो तो ये सब जगह घूमो आप बहुत घूमो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा चीजें समझ में भी आएगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता है केवल बुक से आप पढ़ रहे हैं बुक से आप पढ़ रहे हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमको केवल प्रिलिम्स ही प्रिलिम्स क्वालिफाई करना है देखो इट डजेंट मैटर आपने कितने बार प्रिलिम्स क्वालिफाई किया है वॉट मैटर्स इज इसकी फाइनल सिलेक्शन हमारा कितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं ओके? सो पॉइंट इज़ स्टडी हमेशा 360 डिग्री करने की कोशिश करो ये नहीं कि केवल ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो मेंस में आप अच्छा बनो लिखो आप ओवरऑल ओवरऑल अपने को डाइवर्सिफाई करो अपने डेफ को एनरिच करो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार पुराना किला फोर्ट वेल और तमिलनाडु गोलकान कोंडा हैदराबाद सारनाथ धामिक स्तूप फतेहपुर सीकरी सिकंदरा शोर टेम्पल महाबलीपुरम चार मीनार जगेश्वर टेम्पल उत्तराखंड दिस इज हजार दुआारी पैलेस इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में एंशियन पैलेस इन ले में इनमें से जो भी जगह आपने नहीं देखी है और आपके आसपास पॉसिबल है देखना डू विजिट डू विजिट यू विल गेट अ वेरी गुड इन ओके देन दिस इज नेक्स्ट वन ये यहां पर है जी ट्वेंटी एजेंडा विल बी इंक्लूसिव एम्बिशियस एंड एक्शन ओरियंटेड इस पूरे का पीडीएफ बना के मैं अभी आपसे शेयर करूंगा इसको एक बार जरूर से पूरा देखना बिकॉज ये खुद खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया एक बार इसको देखना मैं इसको एक बार फिर से डिस्कस भी कर लूंगा आई विल शेयर आर्टिकल डू रीड यहाँ अगेन बात है जीएम क्रॉप ऑन लाइवलीहुड फार्मर लेबर तो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे ये सरसों एक कॉटन मस्टर्ड एंड कॉटन भी हो गया था तो अगेन अभी जो डिबेट चल रहा है कि क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल रहेगी ऐसा तो नहीं कि हमने शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए लॉन्ग टर्म डैमेजेस कर दिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोलॉजी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा से ह्यूमंस में भी ह्यूमंस में भी तो ये सब यहाँ पर बात है प्लस ये एक्चुअल में कितनी टॉलरेंट रहेंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जीन्स को ऑल्टर कर देते हैं या कोई जीन एडिशन करते हैं जीन रिमूवल जीन एडिशन इससे जो पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं जैसे बीटी कॉटन था वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था वलनरेबल था हमने वो जीन्स को चेंज कर दिया अब वो पेस्ट से रजिस्टेंट बन गया बट क्या दूसरे किसी पेस्ट से भी वो रजिस्टेंट हो पाएगा ये सारे चैलेंजेस है हमारे यहाँ वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स किलर केमिकल्स यूज हो रहे हैं और ये केमिकल्स फिर हमारी फूड चेन में भी आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुक एट दिस बर्ड काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है गुजरात राजस्थान ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये काफी बल्कि होता, होता है तो कई बार ये उड़ रहा है सामने हाई टेंशन लाइन आ गया तो ये उसको डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता और दे डाई दिस इज अगेन वन कॉज जिसके कारण पॉपुलेशन इनका ड्विंडल हो रहा है प्लस ये ट्रांस बाउंड्री भी है जैसे इंडिया से एट टाइम्स जैसे थार डेजर्ट है तो दिस डेजर्ट इंडिया से वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं तो सच टाइप ऑफ लाइक जो क्रॉस हो रहा है उसमें कंजर्वेशन आप कैसे इंश्योर कर पाओगे टू डिफरेंट कंट्रीज की कंजर्वेशन एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर की तरह भी हम इसको वापस ब्रिंक से वापस एक अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे एक टाइम ताँग था टाइगर केवल वन फोर वन फोर बचे थे आज की डेट में अराउंड थ्री थाउजेंड प्लस हो गए सो दिस इज रियली गुड सो हम यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दिस कवर अप करने की कवर करने की पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं ओके लीथल हीट वेव्स एनुअली आने वाली है लीथल हीट वेव आने वाली है क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी और हीट वेव आती है तो अगेन प्रोडक्टिविटी कम डिसीजेस ज्यादा फैलती है ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर्स आते हैं Then, this is Pakistan. Then, see, तो टेरिज्म का कोई जगह नहीं है टेररिज्म अ फ्रेंटर फ्रेंकस्टाइन ये अगेन साइड इफेक्ट है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरिज्म पॉलिसी को अपनाने का देन टॉर्नेडो आया यहाँ पे डिजिटल ट्रेड है यूक्रेन रशियन चाइनीज बॉम्बर फ्लाई जॉइंट पेट्रोल ओवर पेसिफिक तो रशिया एंड चाइना की प्रोक्सिमिटी यूनाइटेड बाय स्टेट ऑफ अमेरिका देन इंडिया का कोर सेक्टर ग्रोथ हुआ है टू जीरो परसेंट इन अक्टूबर ब्रेकड टू जीरो परसेंट तो विच इज अगेन नॉट गुड कोर सेक्टर में क्या क्या आता है कोर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं आंसर न्यू डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स है एन बी ईरान नॉट लिफ्टिंग इंडियन टी अवेट्स रुपी डील एंड दिस इज फंड एक्सपेंशन ओके सो दिस इज द हिंदू न्यूज फॉर टूडे

उसमें आपके पास इंटरनेट का पावर है स्टैंडर्ड बुक्स का पावर है उसमें लिखो लिखो आप उसको देखो एक दूसरे के आंसर कॉपीज को भी देखो आपको बहुत अच्छी लर्निंग होगी द डिफिकल्ट पार्ट इज अगेन टू एग्जीक्यूट डू इट अब प्रिपेयर अ नोट ऑन द सुप्रीम कोर्ट मैं ऐसे ही आपको नोट लिखने को ज्यादा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए और एक डिसिप्लिन से आप सब्जेक्ट मैटर को कवर करते जाओ इसमें पूरा आप करो इंटरनेट डिक करो बुक को डिक करो और एक अच्छा सा नोट बना दो। all the aspects of Supreme Similarly, पे फुले जी पे ज्योतिबा भी एक नोट बनाना था। ये जस्ट डू इट यू है इसको वर्क करने का जस्ट एग्जीक्यूट करो उसे एग्जीक्यूट करो जिसे आरंभ ने लिखा देखो कितना अच्छे से इस एक का ले लिया अब इसमें ऐसे करके यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरीबडी डू दिस दिस इज वेरी सिंपल तो यहाँ पे हमने लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना था आपने यहाँ पे डेटा लिखा अंडरलाइन हमेशा पॉइंट्स लिखो डॉट नहीं वन टू थ्री फोर इससे थोड़ा ऑर्गेनाइज नजर आता है ए बी सी डी भी आप कर सकते हो फिर सी अब हमने सारा कंटेंट लिखा क्या इसमें हम कोई फ्लो चार्ट बना सकते थे एक डायग्राम बना देते दिस चार ये सारे इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे इनोवेट करो इनोवेट करो अपना यूनिकनेस के साथ अगेन यू आर डूइंग रियली गुड इसको कंटिन्यू करना है नीतू नीतू ने बहुत अच्छे से यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताया देखो अब पे पॉइंट्स लिखा बेहतर लग रहा है फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बताए अगेन दिस इज गुड बीच में कोई फ्लो चार्ट बना दो आप समथिंग लाइक दैट डू इट देन इसके बाद सत्य शोधक अब देखो ये बनाया तो दिस इज अगेन मोनोटोनस नहीं है दिस इज गुड वेरी गुड सो इस तरीके से हमें करना है लेगेसी तो कितना वेल well स्ट्रक्चर्ड ये दिख रहा है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल आंसर देन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमें समराइज करना था तो हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा उसको अपने शब्दों में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए कंसोलिडेट विन विन वेरी गुड आशा आशा इज अगेन डूइंग रियली गुड अब कॉपी कितनी सिस्टमैटिक होती है हेडिंग स्पेसिंग स्पेसिंग कितना अच्छा है यहाँ पे देखो मेजर पब्लिकेशन दिस एंड दैट वेरी गुड दिस इज गुड वन टू थ्री फोर फाइव आप बहुत अच्छा कर रहे हो आशा इसको कंटिन्यू करना है मीन्स आपका बहुत अच्छा होगा जूही दिस इज रियली गुड सी हिंदी में भी कितना अच्छे से लिखा है वन टू थ्री फोर नंबर लिखो हमेशा होते हैं वो देन इसके अलावा शक्तियां न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट वेरी नाइस ये पूरा चैप्टर हमें बहुत अच्छे से देखना है दिस लक्ष्मीकांत में जो हमने पढ़ा था सुप्रिया देखो अर्ली लाइफ क्या है सेग्रीगेशन किया टर्निंग पॉइंट सोशल एक्टिविज्म वन टू थ्री फोर सारे पॉइंट इंट्रो तो देखो जब हमने लिख के देखा तो चीजें ज्यादा याद रही ना ऐसे हम हजार वीडियो देख ले याद नहीं रहता है बट जब हम उसको पेन से लिख के देखते हैं चीजें याद रहती है रिलीजन एंड कास्ट के बारे में सत्य शोधक लिटरेट वेरी गुड इससे आंसर राइटिंग भी ठीक होता है हैंडराइटिंग भी अच्छा होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छा होता है विन विन वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताया गुड क्वालिफिकेशन देन इनके टाइप्स ऑफ लाइक कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन वेरी गुड बाला दिस इज अगेन गुड यहाँ साइड में कॉलम्स भी हैं मार्जिन भी हैं आंसर

हम कुछ एक लेटेस्ट करेंट अफेयर्स भी इसमें डाल सकते हैं थिंक क्या लेटेस्ट जुडिशरी किस डायरेक्शन में जा रही है कोई चंद्रचूड़ साहब का स्टेटमेंट लिख दो अदिति दिस इज अगेन गुड अब देखो ये कॉपी कितनी अच्छी है हेडिंग हेडिंग सब सब क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे तो इससे रेडेबिलिटी बढ़ती है लर्न दिस स्टाइल सी सैलरी हेडिंग में लिखा हुआ है सतेंद्र भी देखो कितने अच्छे आंसर लिखता है सी अब सेम ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे बट उसका अप्रोच देखो यहाँ पे प्रमुख प्रकाशन क्या थे संबंधित गठन क्या था समाज सुधारक में क्या काम किया एक्सीलेंट रश्मि रश्मि भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है क्वालिटी कंटेंट है लाइफ के बारे में बताया वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन हेडिंग सब हेडिंग इससे ऑर्गेनाइज नजर आती है चीजें ऑर्गेनाइज नजर आती है वेरी नाइस nice. देन अमर अब देखो मरजीत ने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया सेक ऑफ आंसर नहीं करना है इट इज लाइक योर योर टाइम सेल्फ स्टडी टाइम डू इट वेरी गुड अमरजीत शुभांगी दिस इज अगेन सो गुड अब देखो ये स्टाइल भी कितना अच्छा है शी इज अगेन वेरी हार्ड वर्किंग बहुत अच्छे से ये यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं so, वेरी गुड वेरी गुड आप अच्छा कर रहे हो ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि हम उसको टास्क होमवर्क लेके कर रहे हैं हमको खुद से इंटरेस्ट हम एक रेगुलरिटी बनाए रखें ऐसा नहीं कि हम फिर वन वीक टू वीक के लिए डिसअपियर हो गया देन वी ट्राई देन दिस नो यू आर डूंग गुड जस्ट इसको कॉन्टिन्यू रखो कीर्ति का स्टाइल भी देखो सो गुड दिस इज वेरी ऑर्गेनाइज सी हम ऐसा स्टाइल फॉलो कर सकते हैं फिर कैसा वर्क तो देखो कॉन्टेंट सेम ही है बट उसको प्रेजेंट अप्रोच करने का तरीका सबका अलग होता है ऐसा अपना एक स्टाइल डेवलप करिए संजीव दिस इज गुड सी हाई की बताया सो so गुड इससे रिवीजन कितना आसान हो जाएगा विद इन मिनट्स आपका चैप्टर तैयार हो गया सेल्फ स्टडी भी हो गई आंसर राइटिंग भी हो गया विन विन योगेंद्र दिस इज गुड सी ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताए अब देखो पब्लिकेशन रिलेटेड सेग्रीगेशन इज गुड सेग्रीगेशन इज गुड रत्ना प्रिया दिस इज अगेन रियली गुड सी आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो एंड सब डॉक्यूमेंट करके रिवाइज भी कर रहे हो फैंटेस्टिक दिस इज फैंटेस्टिक

गुड स्केल से सेम विथ की लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पर सी दिस इज गुड वेरी गुड वेरी गुड देन दिस इज सी जस्टिस डिनाइज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस हर इड इज जस्टिस पर इड वेरी नाइस सी दिस इज अब देखो डेटा एंड चार्ट भी है फेंटेस्टिक तो अपना क्रिएटिविटी आप रख सकते हो यहाँ पे नेहा इज अगेन वेरी गुड वेरी सिस्टमेटिक एंड एक्सेलेंट कॉपी वंडरफुल सी सारे पॉइंट्स लिखे देन कंट्रीब्यूशन देखो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स है तो ऐसा अपना इनोवेशन करना चाहिए हमें एडिशनल पॉइंट्स डालने चाहिए शुभांगी अगेन दिस इज रियली गुड सी आपका कॉपी बहुत अच्छा होता है और थोड़े ही टाइम पे देखना कनेक्टिंग द डॉट्स होगा और एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा एंड ये सब प्रोसेस बड़ी ईजी हो जाएगी शालिनी दिस इज वेरी गुड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताया आपने इसमें और पॉइंट्स डालो और पॉइंट्स डालो अफसाना देखो कितना अच्छा कॉपी है ये कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिस्टमैटिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गुड योगेंद्र आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो इसको कॉन्टिन्यू करना जितना लिखोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा तो ब्रेक नहीं करना है इसको राइट राइट सेल्फ स्टडी है वेरी गुड दिस इज वेरी गुड आपका अप्रोच बहुत अच्छा है वेरी नाइस इज अगेन वेरी गुड आंसर लैंग्वेज प्रोफिशियंसी भी बहुत अच्छा है एंड अप्रोच भी बहुत अच्छा है दिस इज फेंटेस्टिक गुड तो इस तरीके से ये रिविजन भी हो गया एडॉक्ट जजेस एटसेट्रा चैप्टर भी रिवाइज हो गया सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी सब डिबेट का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ही है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन मारुति ने ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा दिस इज वेरी गुड सी इम्पीचमेंट सीट वेरी गुड हम इसको सिंपल एक लाइन में भी बना सकते हैं ताकि थोड़ा क्लीन दिखे जिसे यहाँ पे बनाया हजिंदर okay? हजिंदर भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है सी लाइफ एजुकेशन आइडियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें थोड़े और पॉइंट्स लिखो इनसे सवाल आएंगे ओके okay? तो इस तरीके से आंसर राइटिंग करना होता है और आज के ये दो सवाल है आज का एक ही सवाल है साइबर क्राइम इस वेबसाइट को विजिट करिए और अच्छे से इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इससे शॉर्ट शॉर्ट एक सवाल आने वाला है माक माइ वर्ड ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ